दिल्ली सरकार की ओर से 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के चेक बांटे गए। मुआवजे के मरहम के साथ साथ केजरीवाल ने जमकर सियासी गोटी भी फेंकी। मुआवजे की रकम हाथों में थामते ही गम से सूखी आंखें बरबस नम हो गईं। दंगे में अपनों को खोने का गम और लगातार 31 साल तक सरकारी उपेक्षा की टीस छुपाए नहीं छुपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने किए वादे को पूरा किया। पहले चरण में 1300 चिन्हित पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का चेक देने की शुरुआत हुई। बाकी बचे 1200 पीड़ित परिवारों को पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बढ़ा हुआ मुआवजा बांटा जाएगा। लेकिन मन से केजरीवाल ने सियासत करने का भी मौका नहीं छोड़ा। अगर 1984 के कत्लेआम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती तो दोस्तों इस देश के अंदर गुजरात कभी ना होता, इस देश के अंदर दादरी कभी ना होता, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती धर्म के नाम पे लोगों के बीच में नफरत घोलने की। यानी केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने साधे। मुआवजा बांटकर पंजाब की राजनीति में जहां आम आदमी पार्टी की जगह पुख्ता बनाने की कोशिश की, तो दूसरा गुजरात और दादरी हिंसा का मामला उठाकर अल्पसंख्यक वोटों को साधने में भी जुट गए। मुआवजे के जरिए मरहम लगाने की केजरीवाल की इस मुहिम पर विपक्ष ने सवाल कम नहीं उठाए। केजरीवाल की मरहम मुहिम पर सवाल जितने हों, लेकिन चुनौती केंद्र के सामने अब खड़ी है कि वो कब अपना मुआवजा दंगा पीड़ितों तक पहुंचाएगी और कब एसआईटी जांच के जरिए दंगे के असल मुजरिमों पर शिकंजा कसा जाएगा। पीड़ितों का कहना है कि सिर्फ इस चेक से उन्हें राहत तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें चाहिए इंसाफ। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।